नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ, और बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी मामले में बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने इस केस का पर्सनल तौर पर स्टडी किया है और ये जो गिरफ्तारी है पूरी तरीके से गलत है, और साथ ही इसका पलटवार करते हुए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने फिर से सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे दी है, और इसलिए क्योंकि दोनों ही, यानी कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन क्राइम पार्टनर हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन अगर अपना मुंह खोलते हैं तो केजरीवाल भी बुरी तरीके से फंस सकते हैं, इसलिए केजरीवाल को ये बात पता है। इस वजह से केजरीवाल इस मामले में कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से पंजाब में भी स्वास्थ्य मंत्री रहे विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया और उनको बर्खास्त कर दिया गया, और वहीं अगर दिल्ली की बात करें, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर पिछले 2017 से केस चल रहा था, जिस केस को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी तक बताया है। इस केस में ईडी ने सोमवार देर रात को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से अब दिल्ली की सियासत में गहमा गहमी तेज हो गई है। देखने को मिला कि पंजाब में जहां तुरंत बर्खास्तगी कर दी गई थी स्वास्थ्य मंत्री की, तो वहीं दिल्ली में इतना देर क्यों किया जा रहा है, जबकि ईडी ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है और सारे जो मामले हैं वो 2017 के मामले हैं। इसके बावजूद अभी भी अरविंद केजरीवाल ने इस पर एक्शन तक नहीं लिया है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये जो गिरफ्तारी है पूरी तरीके से गलत है और मैंने इस केस का अध्ययन किया है, इस वजह से वो इस गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं, यानी कि वो सीधे सीधे ईडी पर सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से सत्येंद्र जैन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी मामले का अध्ययन किया है। यह पूरी तरीके से धोखाधड़ी है। हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करते। हमारी सरकार बहुत ही ईमानदार है। उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया है। हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से गलत बताया है। मंगलवार को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर किए गए सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस केस में जैन की गिरफ्तारी हुई है उसका उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने पाया कि जैन ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी एक तरीके का फ्रॉड है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि हम ना तो भ्रष्टाचार करते हैं और ना ही इसे सहन करते हैं। हम बहुत ईमानदार सरकार है। सत्येंद्र जैन को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है। हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि जल्दी जैन को कोर्ट से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि अरविंद बयान के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस पर पलटवार करते हुए सत्येंद्र जैन और केजरीवाल को क्राइम पार्टनर बताते हुए ट्वीट किया। केजरीवाल के एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे दी है। केजरीवाल कभी सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं बोल सकते। जैन और केजरीवाल क्राइम पार्टनर हैं। जैन ने मुंह खोला तो केजरीवाल का फंसना तय है। इसी के साथ ही सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईमानदारी का राग अलापने वाले केजरीवाल बताएं कि इन्हें कब बर्खास्त करेंगे। दिल्ली की जनता इसका जवाब चाहती है। इसी के साथ ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यह भी कहा कि ईडी की कार्रवाई से साबित हो गया है कि केजरीवाल भी इस पूरी धांधली में संलिप्त हैं। बता दें कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा था, सत्यमेव जयते। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी में मैंने 2017 में केस दर्ज करवाया था। सत्येंद्र जैन केवल कठपुतली हैं, असली अपराधी तो केजरीवाल है। केजरीवाल ने बार बार जैन को क्लीन चिट दी। केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आज सत्येंद्र जैन जेल गए हैं, कल एक दिन ऐसा आएगा जब केजरीवाल भी जेल जाएगा। आपको बता दें कि ये ट्वीट दरअसल उन्होंने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी सोमवार को हुई थी और उसी दिन उन्होंने ट्वीट करके ये बातें कही। इसी के साथ ही ईडी ने सोमवार को दिल्ली के
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में उनकी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि एजेंसी ने पिछले महीने जैन परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क की थी। इनका मूल्य 4.81 करोड़ रुपए था। ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत अस्थायी रूप से ये कदम उठाया था। बता दें कि वर्ष 2018 में ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता जैन से पूछताछ की थी। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया ने इस गिरफ्तारी का तीखा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये जो केस है उससे जुड़े हर एक पहलू के बारे में और कैसे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई और आखिर उन पर किन मामलों पर केस दर्ज किया गया जिसके बाद ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की। दरअसल आप नेता के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में एक एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी ने ये एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत फाइल की थी। ईडी का केस इसी एफआईआर पर आधारित है। बता दें सीबीआई ने अपनी एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग 4 कंपनियों के जरिए की गई है। ये कंपनियां सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि पिछले महीने ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया था। उसने अस्थायी तौर पर इन 4 कंपनियों के अलावा एक और कंपनी से जुड़े 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। बता दें इन कंपनियों में अंकिचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्वाति जैन, सुशीला जैन, अजित प्रसाद जैन और इंदु जैन की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया था। आपको बता दें कि ईडी ने उस वक्त एक बयान जारी किया था। इसमें कहा गया था कि ईडी को जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। बता दें जांच में पता चला है कि सत्येंद्र जैन के स्वामित्व वाली इन कंपनियों को कुछ शेल कंपनियों के 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। हवाला रूट के जरिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को ट्रांसफर किए गए कैश के बदले इन मुखौटा कंपनियों से ये रकम प्राप्त हुई है। इस रकम का इस्तेमाल भूमि की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद को लेकर किए गए कर्ज की अदायगी के लिए किया गया था। ईडी ने हाल ही में जैन के मामलों में पूछताछ के लिए समन भेजा था। इसके पहले उसने 2018 में जैन से पूछताछ की थी। आपको बता दें कि हाल ही में देखने को मिला था कि पंजाब में निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में सीधे बर्खास्त कर दिया गया था और उन पर घूस लेने का मामला दर्ज किया गया था। और बताया ये भी जाता है कि वो घूस लेने के लिए एक खास शब्द का प्रयोग करते थे और वो शब्द था शुक्राना। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने यह एक्शन लिया था जिसके बाद अरविंद केजरीवाल बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे थे और गर्व महसूस हो रहा है ऐसी बात वो ट्वीट करके भगवंत मान के लिए कह रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो एक्शन लिया गया है बहुत ही अच्छा एक्शन लिया गया है। लेकिन जब बात दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की आती है तो अरविंद केजरीवाल ने अब तक उन पर इस तरीके का एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो मामला है 2017 से चला आ रहा है। जब ये मामला दर्ज हुआ था, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया था उस पर ये चीज़ें चल रही थी, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने कोई एक्शन नहीं लिया अपने हेल्थ मिनिस्टर पर। और आज जब ईडी के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है तब भी अरविंद केजरीवाल ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी है वो गलत है और साथ ही राजनीतिक फायदे के लिए इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसी के साथ ही अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो ये जग जाहिर है कि राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कौन करता हुआ दिखाई देता है। बात जब दिल्ली की होती है, दिल्ली में कोई नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधता है तो अरविंद केजरीवाल पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। दिल्ली के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए वे पंजाब से पुलिस मंगवाते हैं और अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन है या फिर जिस तरीके से ईडी है
और पुलिस है उसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है और सत्येंद्र जैन को जानबूझ करके फंसाया गया है, ये पूरी तरीके से फ्रॉड है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।